कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मुर्शिदाबाद के रानी नगर में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर जमकर निशाना साधा। शुभेंदु अधिकारी के कॉन्वॉय में हुई सड़क दुर्घटना के मुद्दे पर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पूर्व मेदिनीपुर में शुभेंदु के कॉन्वॉय ने एक व्यक्ति को धक्का मारा। वह इतने संवेदहीन और अमानवीय है कि अल्पसंख्यक समुदाय के उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के बजाय वह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलाते हुए चले गए। विरोधी दलों ने तार गाड़ी एक जन के मेरे दिए तार ऊपर दिए चले गए। एक लोक कतटा निष्ठुर निर्मम कतटा निर्लज्ज कतटा विवेकहीन और क्षमतार दम्भे कतटा अंध होले एई घटना घटाते पारे। भूल मानुष मात्र होय धरुन आमी रास्ताय गाड़ी चालाते चालाते एक लोकेर लेगे गेल। आमार कर्तव्य ना जे गाड़ी थेके नेमे आमी ओई लोकटाके हासपाताले निये जाई तार चिकित्सार व्यवस्था कराई ता ना करिए सटान गाड़ी निये 100 किलोमीटर स्पीडे छुटेछे। সেই লোকটা রক্তাক্ত অবস্থায় একজন সংখ্যালঘু ভাই তরতাজা যুবক 33 বছর বয়স তাকে গাড়ি দিয়ে পিষে মেরে চলে গেছে। এই হচ্ছে বিজেপি। আমি তো গোটা পশ্চিমবঙ্গের লোককে আবেদন করব যেখানে অ্যাক্সিডেন্ট হবে যেখানে খুন হবে আমাকে ক্ষমা।